स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम आपको सफ़र शुरू करा रहे हैं प्रयागराज से लेकर मुंबई तक का सफ़र, जो कि दुरंतो एक्सप्रेस है। ये अब हम आपको बताते हैं ये दुरंतो एक्सप्रेस कहां से कहां जाती है। ये प्रयागराज सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस, और दोस्तों इसका आने जाने का नंबर ये है 1292। और ये लोकमान्य तिलक स्टेशन पर जाकर समाप्त होती है। दोस्तों ये जो ट्रेन है प्रयागराज से शाम को 6:10 पर चलती है, और ये 5 स्टॉपेज है मुंबई तक इसके, और जिसमें कि प्रयागराज से निकलती है तो सतना, जबलपुर, इटारसी, भुसावल और आखिरी में लोकमान्य तिलक टर्मिनल कुर्ला मुंबई में जाकर समाप्त हो जाती है। ये हम सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों प्रयागराज जंक्शन से। यहीं से ये ट्रेन बनकर चलती है और सप्ताह में ये 2 दिन चलती है दोस्तों, सैटरडे और ट्यूसडे, मतलब कि शनिवार और मंगलवार के रोज़ ये शाम को 6:10 पर यहाँ से चलती है, और अगले दिन 20 घंटे का सफ़र तय करके दोस्तों ये करीबन 2:30 जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचती है। और बहुत ही अच्छी ट्रेन है, इस रूट की सबसे बेस्ट ट्रेन इसको कहा जा सकता है दोस्तों। ये आप इस ट्रेन की सबसे इस रूट की सबसे बेस्ट ट्रेन है। हालांकि थोड़ा किराया कुछ ज़्यादा है, करीबन 2,500 रुपये 3 टायर एसी का इसका किराया है, और लेकिन अगर आपको शानदार और जानदार सफ़र करना है इस रूट के लिए, अगर आप मुंबई से प्रयागराज आते हैं, इलाहाबाद आते हैं या बनारस आते हैं, तो इस ट्रेन को आप पकड़ लीजिए दोस्तों, प्रयागराज सुपरफास्ट तुरंतो एक्सप्रेस। और हमने आपको बता ही दिया है कि ये और मुंबई से दोस्तों ये फ्राइडे और मंडे निकलती है, शाम को 5:25 पर निकलती है, और किराया जैसा हमने आपको बताया। और ये प्रयागराज जंक्शन को आप ये देख सकते हैं, और यहाँ से अब ये ट्रेन निकलने के लिए तैयार है दोस्तों। समय हो चुका है और बिल्कुल समय पर दोस्तों ये ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है, और ये एसी 3 टायर में हम आपके सामने बैठे हुए हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छा सफ़र, और हमेशा सफ़र अच्छा ही करना चाहिए इंसान को। और ये प्रयागराज जंक्शन को आप ये देख सकते हैं, बराबर 6:10 पर दोस्तों ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है। और ये जो है इसके बाद में इसका स्टॉपेज है सतना है, जबलपुर है, इटारसी है, भुसावल है, और आखिरी में लोकमान्य तिलक कुर्ला मुंबई में जाकर ये समाप्त हो जाएगी। तो चलिए सफ़र की शुरुआत कर दी जाए दोस्तों, आप हमारे साथ में हैं, और ये बहुत ही अच्छा उमदा सफ़र होने वाला है। बारिश के दिन हैं,
हालांकि यहाँ पर तो बहुत ही गर्मी है दोस्तों, मुंबई का मौसम बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर तो बहुत ही करीबन 37 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों जाता है, बहुत ही गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमें भी यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ा क्योंकि ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती है दोस्तों। और जितना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और ये प्रयागराज जंक्शन से हम आपको मुंबई की ओर आपको लेकर जा रहे हैं और पूरा रास्ता बहुत ही मज़ा आने वाला है और बीच बीच में जो भी स्टेशन आएंगे उन सब के विषय में बताएंगे और ये पूरा प्रयागराज, ये गंगा नदी के ऊपर ये दोस्तों ये है ब्रिज जो है बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत। और चलिए और फिर मुलाकात होगी, ईश्वर की जब इच्छा होती है तभी व्यक्ति यहाँ पर पहुँच पाते हैं दोस्तों, जब तक उसका बुलावा नहीं होता है तब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है। इसीलिए जब ईश्वर की इच्छा हो, जब भी समय आपको मिलता है और बुलावा आता है तो आप बिल्कुल अवश्य ऐसी जगहों पर आइए तो आपको बड़ा ही आनंद मिलता है। और चेंज तो इंसान को करते ही रहना चाहिए जब भी आपको समय मिलता है। साल में दो बार ज़रूर घूमना चाहिए, एक तो अक्टूबर में और एक मार्च का महीना बहुत ही अच्छा रहता है, फरवरी और मार्च का महीना, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ही अच्छा समय रहता है, उस समय अगर आप घूमने निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये चलिए यहाँ से अब हम आपको आगे लिए चल रहे हैं, ये प्रयागराज जंक्शन को हमने छोड़ दिया है और ट्रेन की गति जो है बढ़ती जा रही है और ये यहाँ पर ये स्टेशन आ चुका है, स्टेशन नैनी जंक्शन, यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है लेकिन जो गाड़ी है काफ़ी धीरे गति, शायद कुछ उसको पटरी सिग्नल वगैरह नहीं मिला है इसी वजह से थोड़ा गति जो है धीरे है। यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, इसका पहला स्टॉपेज जो है दोस्तों सतना में है और ये ट्रेन ने गति पकड़ ली है। और चलिए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाते हुए पूरा मुंबई तक का सफ़र आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और सबसे शानदार और जानदार ट्रेन का सफ़र आप तय कर रहे हैं दोस्तों, ये दुरंतो एक्सप्रेस, इसका जो नंबर है दोस्तों 12294 है और प्रयागराज से ये मंगलवार और शनिवार के रोज़ शाम को 6:10 पे प्रयागराज से निकलती है और मुंबई छत्रपति लोकमान्य तिलक टर्मिनल कुर्ला में 2:30 ये पहुंच जाती है अगले दिन। और 20 घंटे में मात्र आप प्रयागराज से मुंबई तक का सफ़र तय कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, डेमो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया है, बहुत ही खूबसूरत सफ़र होने वाला है और बीच बीच में जो भी जगह आएंगी उस जगह के विषय में हम आपको बताएंगे। ये अब हम आपको लेकर ये दोस्तों पहुंच चुके हैं, ये सतना, सतना जो है दोस्तों ये 9:00 जो है 3 घंटे के बाद में इसका पहला स्टॉपेज पड़ता है ये सतना। और यहाँ पर भोजन वगैरह सब करने के पश्चात रात्रि हो चुकी है तो चलिए सुबह मिलते हैं। और ये सुबह, नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी है दोस्तों, ट्रेन चलती चली जा रही है और इसके पश्चात दोस्तों रात में ही जबलपुर निकल गया था, हमारी नींद लगी हुई थी, जबलपुर निकल गया, उसके बाद में उसके पश्चात ये स्टेशन दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह नाश्ता चाय पानी के लिए आप हर स्टेशन पर उतरते हैं तो उसका भी अलग ही मज़ा आ जाता है दोस्तों। ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं भुसावल, जी हाँ दोस्तों MP में दाखिल हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र दोस्तों ये रहा है। और रात में सतना जबलपुर इटारसी के बाद में भुसावल, और भुसावल जो है दोस्तों महाराष्ट्र का बॉर्डर है और ये हम आपको लेकर बस पहुंचने वाले हैं, ये
यहाँ पर अंगूर की खेती होती है दोस्तों। ये नासिक का बॉर्डर जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है रेड वाइन बनाई जाती है ज़्यादा, बहुत ही फेमस है यहाँ की रेड वाइन। और ये पूरा का पूरा खूबसूरत और मनोहर सफ़र हम आपको लेकर मुंबई तक तय करने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिए और म्यूज़िक के साथ भी आपको आनंद दिलाते रहेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को दोस्तों। मानसून के समय में ये जो रूट है बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये नासिक रोड रेलवे स्टेशन है दोस्तों, यहाँ से मुंबई तक का सफ़र आज हम आपको तय कराने वाले हैं। बड़े ही फास्ट कराएंगे, आप बोर भी नहीं होंगे और वादियों का आनंद लेते हुए आप इस सफ़र का आनंद लेंगे दोस्तों। मुंबई में कल्याण होते हुए, ठाणे होते हुए और कसारा होते हुए, कसारा घाट आज तक आपने नहीं देखा होगा दोस्तों। इस सफ़र का सबसे सुहावना सफ़र दोस्तों, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ये बारिश की ऋतु, वर्षा ऋतु चल रही है और मानसून के समय में ये रूट बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सारी जगहों को हम आपको दिखाते हैं। और ये पहाड़ों के ऊपर जो है दोस्तों, बादल टच होते हुए और ग्रीनरी देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये ग्रीनरी लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप घर बैठे ही पूरे इंडिया का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। ऐसा सफ़र जब भी आप करते हैं तो मन को बड़ा ही प्रसन्नता मिलती है, मन बड़ा गुदगुदा जाता है, मन बड़ा ही खुश हो जाता है। ऐसी जगह से जब भी आप जब भी ट्रैवल करें, मैं तो कहता हूँ हर 3-4 महीने के अंदर आपको ट्रैवल करते ही रहना चाहिए, अपने आप को चार्ज करना चाहिए जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे ही। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से ट्रेन जाती हुई और मन को बड़ा ही आनंद मिल जाता है दोस्तों, वाकई ही। और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और ये पूरी नासिक रोड मुंबई से नासिक के लिए, इस रोड के माध्यम से आप MP जा सकते हैं, UP जा सकते हैं। और बहुत ही प्यारा हाईवे ये है बना हुआ है, ये आप ये देख सकते हैं, हाईवे के पास से ही ट्रेन निकलती जा रही है। और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, कसारा जैसे ही शुरू हो जाएगा तो वहाँ की वादियाँ आप देखते ही रह जाएंगे, बड़ा ही आनंद आ जाएगा। अभी इस साइड दिखा रहे हैं, फिर हम आपको उस साइड में ले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों से टच होकर जो है, ऊपर से ब्रिज, नीचे से ट्रेन, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के इस सफ़र में। कहीं कहीं हम म्यूज़िक के साथ में आपको दिखाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू पूरा बोलेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ और साथ में इतने खूबसूरत और मनोहर दृश्य को देखते हुए आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये आप ये यहाँ की खूबसूरती, प्राकृतिक सौंदर्य को आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और पूरा मुंबई तक का सफ़र आज हम आपको तय कराने वाले हैं। और बीच बीच में जो भी प्लेटफॉर्म आने वाले हैं, ये इगतपुरी अभी आने वाला है और यहीं से सुहावना सफ़र जो है शुरू हो जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाओं को आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। अभी घाट सेक्शन जैसे ही आएगा आपको बड़ा ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों, बड़ा ही आनंद आने वाला है। और हर प्रकृति की खूबसूरती आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ये जो सफ़र है नासिक से कसारा होते हुए, कसारा घाट और पूरा मुंबई तक का सफ़र दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। हमने बड़ी मुश्किल से कैद किया है इसको आपके लिए, मेहनत करके, ताकि हमारी YouTube फैमिली घर बैठे पूरे इस खूबसूरत मंज़र का आनंद ले दोस्तों। ये देख सकते हैं, अब हम आपको इस साइड से आपको दिखा रहे हैं। और ट्रेन जो है मुड़ते हुए, अब खूबसूरत वादियों की शुरुआत अब हो चुकी है। आप पूरा का पूरा वीडियो आप आखिरी तक देखेंगे और घूमते फिरते आप पूरे मुंबई
पहुंच जाएंगे आप हमारे साथ में, ऐसा लगेगा कि आपने पूरा का पूरा सफ़र हमारे साथ में तय कर लिया है बहुत ही खूबसूरत वादियों के साथ में। और तो चलिए अब बहुत ही ज़बरदस्त जगह अब जो है शुरू हो चुकी है दोस्तों, ये हम इगतपुरी के पास में आपको लेकर पहुंच चुके हैं दोस्तों। इस रास्ते से हम आपको लेकर जाएंगे, ये इगतपुरी, फिर उसके बाद में कसारा आएगा, कल्याण आएगा, थाने आएगा, डोंबिवली, और उसके पश्चात बड़े ही अलग अलग नाम है दोस्तों, उल्लासनगर है, कल्याण है, दीवा है, मुम्बरा है, थाने है, मुलुंड है, भांडुप है, कांजूर मार्ग है। तो ये पूरा मुंबई शहर पूरा हम आपको पूरा मुंबई तक का सफ़र आपको तय कराने वाले हैं, और ये हम आपको लेकर ये आ चुके हैं, ये इगतपुरी। यहाँ से पूरा हिल स्टेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन क्या रहता है मेंटेनेंस यहाँ पर चलता रहता है, इसीलिए संडे के रोज़ ज़्यादातर यहाँ पर मेंटेनेंस ज़्यादा चलता रहता है, एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ चलती रहती है। ये इगतपुरी स्टेशन पे हमारी ये ट्रेन रुकी, और यहाँ का वड़ा पाव, ऐसे मौसम में वड़ा पाव आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि गरम गरम वड़ा पाव खाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा इन वादियों को देखने में। तो चलिए थोड़ा म्यूज़िक के साथ में आपको आनंद दिलाते हैं इन वादियों का, और फिर आपसे मिलते हैं। देखा आपने, एक सुरंग के बाद में दूसरी सुरंग, दूसरी के बाद में तीसरी सुरंग, और ये देख सकते हैं प्रकृति को कितनी खूबसूरत लगती है दोस्तों, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ही हरियाली रहती है, और झरने वाटरफॉल जो है स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसी
वादियों को जब इंसान देखता है तो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और ये देख सकते हैं आप ब्रिज को किस तरीके से मेहनत करके ये बनाया हुआ है दोस्तों। घाट के ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो है ब्रिज बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और ये टनल सुरंग को आप ये देख सकते हैं, बहुत ही पुरानी टनल है दोस्तों ये। और ये रास्ता भी बड़ा ही मज़ेदार है, ये देख सकते हैं आप। ये पीछे सुरंग में से ट्रेन निकल कर आ रही है और यहाँ पर जो है गाड़ी की स्पीड जो है स्पीड लिमिट थोड़ी रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और दोस्तों ये कसारा का स्टेशन है, यहाँ से लोकल ट्रेन जो है मुंबई की जो है शुरू हो जाती है। यहाँ से कसारा से भी आप लोकल ट्रेन पकड़कर मुंबई तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं। और इन खूबसूरत वादियों के बीच में से होते हुए बड़ा ही मनोरंजन। और कल्याण में जो है दोस्तों, कल्याण में बहुत ही अच्छी जगह है, बड़ी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और पूरा मुंबई आप महाबलेश्वर चले जाइए,
खंडाला, कसारा, ये घाट जो है मुंबई की आसपास जो है बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है दोस्तों। वाकई ही प्रकृति अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। मुंबई पहुंचने के पश्चात मुंबई के जैसे ही स्टेशन स्टार्ट होते हैं फिर मिलते हैं, तब तक म्यूजिक के साथ में आनंद लीजिए। स्टेशन क्रॉस होते हुए जा रहे हैं और ये लोकल ट्रेन को आप, ये सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेन को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये कसारा तक का सफ़र तय करती है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ये सेंट्रल लाइन आज तक हमने ये इस तरह का ये सेंट्रल लाइन का वीडियो आपके लिए नहीं डाला था, लेकिन हमने सोचा कि चलो यूट्यूब फैमिली को सेंट्रल लाइन भी दिखा दी जाए, जिसके माध्यम से आप भोपाल जा सकते हैं, यूपी जा सकते हैं। और ये हम आपको लेकर दोस्तों ये पहुंच गए हैं, कल्याण जंक्शन है ये। yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me.
slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement? Who's at the top, think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. और अब ट्रेन जो है दीवा स्टेशन जो है क्रॉस करते हुए जा रही है दोस्तों। ये हमारी लोकल ट्रेन नहीं है, इसीलिए किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही है। हम फास्ट ट्रेन से आपको लेकर सफ़र कर रहे हैं और ये यहाँ की खूबसूरत वादियों को आप देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं ठाणे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई का ठाणे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये भी अपने आप में, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा जंक्शन है और सेंट्रल लाइन पर ये दोस्तों ये पड़ता है। और इसके बाद में मुलुंड, भांडुप, कांजूर मार्ग, पूरा जो जो भी जगहें आएंगी वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखते ही देखते बड़ा ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये यहाँ पर ये भांडुप जो है स्टार्ट हो चुका है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. और ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं कांजूर मार्ग। यहीं से दोस्तों आप जो है अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, पवई जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उतरकर आप पवई जा सकते हैं। और ये पूरा सेंट्रल लाइन का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप ये देख रहे हैं दोस्तों।
कांजन मार्ग के बाद में जो है घाट के ऊपर आ जाता है, और घाट के ऊपर के पास में ही ये जगह, ये जो ट्रेन है यहीं पर जाकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर जाकर समाप्त हो जाएगी। कुर्ला टर्मिनल भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, और पूरा मुंबई की सेंट्रल लाइन की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं पूरा खूबसूरत। और वीडियो में अगर आपको मज़ा आया है दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे मुंबई शहर का आनंद ले सकें। दोस्तों ये विक्रोली स्टेशन, वो आप ये देख सकते हैं, ये विक्रोली स्टेशन, और इसके पश्चात जो है घाट के ऊपर स्टेशन आएगा, और घाट के ऊपर के बाद में जो ये है ट्रेन जो है टर्न ले लेती है। ये सामने देख सकते हैं आप सेंट्रल लाइन, लोकल लाइन दोस्तों ये जा रही है। लोकल के बगैर तो मुंबई शहर अधूरा है दोस्तों, क्योंकि मुंबई की लोकल को लाइफ लाइन कहा जाता है। और ये घाट के ऊपर हम आपको ये लेकर पहुंच चुके हैं, यहाँ से जो है ये ट्रेन अपनी दिशा में हो जाएगी दोस्तों। इसके पश्चात विद्या विहार आएगा, फिर कुर्ला स्टेशन आ जाएगा, लोकमान्य तिलक कुर्ला स्टेशन पर जाकर ये ट्रेन जो है समाप्त हो जाएगी। और ये पूरा सब मुंबई में ही आता है दोस्तों, ये घाट के ऊपर है जो थाने हैं, ये जो ट्रेन है ये बाहर गांव की ट्रेन है, और ये पूरा का पूरा खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप लोग ये देख सकते हैं। और ये स्टेशन आप विद्या विहार का स्टेशन ये आप ये देख सकते हैं, और यहाँ से जो है ये ट्रेन जो है अभी इसकी दिशा बदल जाएगी और हमें ये लेकर जाएगी जहाँ पर ये स्टेशन, जहाँ पर ये ट्रेन समाप्त हो जाती है दोस्तों। और बस अब हम आपको जल्द ही लेकर ये पहुँचने ही वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, जिसे कि कुर्ला स्टेशन, कुर्ला टर्मिनल के नाम से इसे जाना जाता है। और लोकमान्य तिलक टर्मिनल इस जगह का नाम है। यहाँ से अगर आप यूपी बिहार की ट्रेन अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये ट्रेनें पकड़ सकते हैं। घाट के ऊपर स्टेशन के बिल्कुल करीब है और ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और ये ट्रेन जो है हमें यहाँ पर लेकर आ चुकी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मुंबई के वीडियोस के लिंक हैं, जिसमें एक घंटे का वीडियो है जिसमें कि घर बैठे आप पूरा मुंबई फिल्म सिटी टूर, सभी फिल्म एक्टरों के घर और जितने भी फिल्म स्टूडियोज हैं सभी को घूम सकते हैं। ये कुर्ला टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये वेटिंग हॉल का दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये किस तरीके से ये स्टेशन है ये आप ये देख लीजिए। मुंबई में आते हैं तो मुंबई में अलग अलग जगहों पर काफ़ी स्टेशन बने हुए हैं, और ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल जो कि कुर्ला में है, और ये पूरा बाहर का मनोहर और खूबसूरत दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।